सांसद ये ज्ञान नहीं है इसको, और आदिवासी होने के नाते मैंने इस पर कभी भी आज तक देख लीजिएगा इसने कोई काम नहीं किया। बता दीजिए कि जामताड़ा के विकास में इसका क्या योगदान रहा। अब तो इलेक्शन में आप जा रहे हैं, फिर भी मैंने इनको ढक के रखा क्योंकि आदिवासी, चलो भाई इसके साथ सम्मान करो, लेकिन सम्मान देने के लायक नहीं ये सांसद, ये निकम्मा है, ये समाज से नकारे, जनता से सिख नकारे जाएंगे देख लीजिएगा। और ये मुझे जो ये लोफर आदमी है, नंबर वन का लफुआ है, हम बता देते हैं, और मैं इसको घुस नहीं दूंगा आप जामताड़ा, देख लीजिएगा, चल के दिखा दे सांसद, ये तरीका ठीक नहीं है। आप मुझे चुनौती दे रहे हैं, एक सब इंसान को, एक सब नेता को आप चुनौती दे रहे हैं, आपकी हिम्मत कैसे हो गई? आप इरफान सर को बोलिएगा, तुम हो कौन तुम? देखिए विधायक इरफान अंसारी जानबूझकर ऐसी बातों को कहते हैं जिससे वो समाचार में बने रहे। लगता है लाल हवेली की सफर से लौटने के बाद उनको इस तरह के बयान देने की ज्यादा आदत हो गई है। अभी उनका जो ताजा बयान है वो आदिवासियों का अपमान है। उन्होंने सांसद सुनील सोरेन के लिए जो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है, ये साफ लग रहा है कि सिर्फ उन्हें आदिवासी होने के कारण इरफान अंसारी अपमानित कर रहे हैं। हमारी मांग है कि इरफान अंसारी अविलंब सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, वरना ये क्लियर मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस और सत्ताधारी गठबंधन के लोग आदिवासियों के बारे में कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनकी सोच क्या है, यही इस सरकार की सच्चाई है। इरफान अंसारी ने जिन लफ्जों का प्रयोग किया है वो उनके आदिवासी विरोधी रवैये को दिखाता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।